और मालिक भी साथ में हैं और ये छीते चले जा रहे हैं। बहुत ही इजी है खेती करना, इतना मुश्किल भी नहीं है। हाँ ठंड तो हो, खाली कोहरा ना हो तो, लेकिन ठंड हो। आज ठंड कड़ी है। सुबह के हो रहे हैं 6:15, तो मैं तो आजकल 10 बजे सो जा रहा हूँ और मस्त 6 बजे नींद खुल रही है। पापा मेरे लोग यहाँ सो रहे हैं, मैं तो आजकल अंदर ही सो रहा हूँ, लेकिन अभी दोबारा यहाँ सोने में बड़ा मजा आएगा। इसीलिए मैं रात को यहाँ नहीं सोता। कुत्ते कुत्ते के बच्चे इतने परेशान करते हैं। अरे स्वेटर वाला कहाँ पहन के आओ, तो कहाँ जात है। इतनी ठंड तो है कि आप स्वेटर पहन सकते हो। दोबारा सोने में बड़ा मजा आता है। अब स्वेटर पहन के निकले आप। गर्म पानी चाहिए मेरे को भी है रे बाबा। सुबह सुबह गर्म गर्म पानी पिएगा, मजा आ जाएगा एकदम। दूध गर्म गर्म था तो मैंने कॉफी भी बना लिया अपने लिए। कॉफी से अपना दिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे पालक लेने के लिए, उसके बाद फिर जाएंगे दूध लेने के लिए। इसी दो चीज़ में तो पूरा गांव के दर्शन हो जाएंगे आपको। आज हम निकालेंगे अपनी साइकिल। 7:45 इतनी तेज़ धूप है और इससे साफ साफ पता चलता है कि आज कितनी तेज़ धूप होगी। ये है मेरी साइकिल और अभी एक किसान का साइकिल है। देखो किस तरीके से पीछे बोरिया बांधी है। कान बांधक पड़ी। चलो हाँ चलो भूली। अरे बड़ी अजीब चल रही साइकिलिया यार। कहा अजीब चल रही भाई, बहुत दिन के बाद चला रहा है इसीलिए लगता है। कच्चे कच्चे रास्तों से हम पक्के पक्के रास्ते पर आ गए। वो भाई इतने में गर्मी आ गई यार, गर्मी। अरे हम फिर से कच्चे रास्ते पर आ गए। यहाँ चलाना थोड़ा सा संभल के, नहीं तो साइकिल स्लिप होने का चांस है। सुंदर कोयली कहाँ रहे ना? ये पोखरी है। अच्छा ये है ना, ये पोखरिया। वो दादी जो है ना, वो भी सब्जी लेकर के आती है गांव में। ये सब हमारे दादाजी की सिस्टर हुआ करती थी। खेत देखा बदे इतने दूर से हाल है। खेत दे आजकल सब्जी लेकर आनी कर तू का देखे निशानी लाओ भैया, ऐसा ही ठंडिया में ना। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं पालकी का खेत। देखिए यहाँ पे ना वो लगाया गया आलू, आलू और इस तरफ है लहसुन, इस तरफ है बरसिंग, गाय का जो चारा होता है ना वो। देखो ये है और हम जो लेने जा रहे हैं वो हमारा चारा पालक। वो भैया जल्दी जल्दी ना फरत का नहीं। पिछली दाएँ भी आल हली तक को फूल ना देखे मिलल। 10 दिन के बाद रेडी हो जाई, तैयार हो जाई। ठीक है तब 10 दिन तो यहीं पे है ही, हम देख ले। मूली मूली जौनपुर में एक ही चीज फेमस है और वो है मूली। ये तो इतनी सी मूली है ना। मूली की साइज यहाँ पे क्या होती पता है? जितनी मेरी साइज है, 6-6 फिट की मूली होती है। आप यकीन नहीं करोगे। यकीन कैसे करोगे? एक होता है सब्जी का मेला, यहाँ पर सब्जी का मेला देखने का मौका मिल गया ना, मैं पता लगाता हूँ किस डेट को होता है। यह बड़ी बड़ी सब्जी, गोभी होगी तो गोभी जो सबसे बड़ी गोभी होगी वो आएगा उस मेले में। सब लोग अपनी अपनी सब्जियाँ लेके आते हैं। बैंगन खूब बड़ा सा, मूली बड़ी सी, प्याज और अतरंगी सब्जी लेके आएंगे जिसमें 2-3 मुँह। तो ये सब तो नॉर्मल सब्जी है, खाने वाली है, मेले में जाने वाली नहीं है। अभी देखिए पालक काट के हमको देंगे यहाँ से एकदम ताज़ा ताज़ा पालक। भंटा भी हो ना इनमें? वाह आज पहली बार भंटा जौन है पेड़ से तोड़ के खाई। कहाँ कहाँ धीरे धीरे फरत। हाँ ये देखो बैंगन ब्रिंजो।
बाजार में भंटा कैसे किलो हो, 20-25 रुपए किलो हुई। तो गाइस इस समय आप देख रहे हैं बिल्कुल लाइव से सब्जी खरीदते हुए मुझे, जहाँ पर पालक, गोभी, बैंगन, सरसों, सोवा और मूली, लहसुन, ये सब कुछ ताकत हो। मटर यो हो? हाँ, इस तरफ देखिए मटर का पौधा है ये। करेला हो, लेकिन ज़्यादातर तो पलकी है बेचात हुई, करेला वेला कम बेचात हुई। नहीं, करेला बेचाला थी। हाँ, तो इतने में हो जाला? 5-6 दिखाता हो हमारे भर के हो सका था। अच्छा, ये हरो? हाँ, ये हरो हो। देखा एक छे बड़ा का है देहा। ये बरसात वाला करेला है, जैसे बरसात में चढ़ावल जाला। तब हम कहीं की जौन है सुंदर कक्का लियावन, इतना सारा करेला यहाँ इतने हो, कहाँ से लियावत हुई है? ये देखिए फूल आना शुरू हो गया है गोभी में, एक दो पौधे में फूल आ गया है, और बाकी जिन पे नहीं आया है एक हफ्ते बाद उसमें भी आ जाएगा। ये देखिए खेतों में ही पैकेट फेंका हुआ है। का मिलल पलकी है, करेला है, बैगन, चिचिन्ना चाहता दे। चिचिन्ना? हाँ। कहाँ है? आप नहीं ज्यादा, इतना बहुत है। सोवा चाहता धनिया। खेते से जौन चीज ला एकदम कम में लगा ला। ये एक ऐसा दुकान है, ऐसा बाजार है जहाँ से सिर्फ मैं ही खरीद रहा हूँ और कोई नहीं आता इस तरीके से खरीदने। अब देखिए मैं चाहता तो बाहर से खरीद लेता, लोग जाकर के उधर दुकान लगाए हैं, लेकिन यहाँ से खरीदने का जो मज़ा है वो कोई नहीं ले पाएगा, सिर्फ मैं ले पाऊंगा और आप लोग देख के मज़े ले पाओगे। इस तरह का खाद इस्तेमाल करते हैं ये लोग, अभिमन्यु सल्फेट्स 90% फर्टिलाइजर ग्रेड ये खाद है। उसके बाद ये है मेथी का बीज। चलो हो गया हमारा। बेल है ना? हाँ। बेल तो गर्मी में पकता है। टमाउक दिया हो दत्तवन थोड़ा हुआ ना? ले अब ना पाई तब तो यहाँ करीला। अरे भाई नमस्कार, यहाँ क्या थे? देखता है ना हुआ एकदम नजर झुक रही कहाँ सब्जियाँ में? हाँ, हम लोग का चैनल है ना एक। अच्छा अच्छा, चैनल है यूट्यूब पे। अच्छा अच्छा, तो मैं गांव का वीडियोस वगैरह बनाता हूँ। अच्छा अच्छा, अब इनके घर के है ना, क्या नाम है? चंडी दुबे। बच्चा के ना? हाँ हाँ, उन्हीं के लड़के हैं। बच्चा के लड़के हैं आप? हाँ। कहाँ से आल डाली हो? जिनके यहाँ से सब्जी लिया है ना वही जा रहे हैं, इस तरीके से वो गांव में बेचते हैं। अरे कहाँ जा, तू वही बहना करता है जो है ना सब्जी देवे घरे। कहे ना आवता घर, घरवा आवाला कहे नहीं देवे, हम तो एक तोरे घरे से लेके आवत ही पलकी, मुरई, सरसों, भंटा, करेला, जाता वही वही बच्चे में आज जाई का? एक बोले खाद वाली है। हाँ, एक पैकेट घूमे ऐसा। अच्छा, तकलीफ है? हाँ। आज बुआई का? हाँ हाँ, आज करनी है गेहूं की बुआई। आज मैं आपको एकदम टिपिकल किसान बन के दिखाऊंगा, बन के दिखाऊंगा मैं किसान ही हूँ भाई। देखिए ये जो तरीका है ना खेती करने का, ये मुझे नहीं अच्छा लगता कि आप जो है ये धान के जो अवशेष पदार्थ है उसको जला दें। आपने देखा जहाँ पे मैं गया था जिस गांव में ब्लॉग बनाने के लिए, वहाँ पे धान की खेती अभी भी वो लोग इस ओल्ड स्कूल टाइप से करते हैं, ला के पीटते हैं, धान निकालते हैं, फिर उसके बाद आटा बांध के रखते हैं। चला पलकी है, मुरई है, भंटा है, करेला है, सोवा है। पलकी है, मुरई है, भंटा है, सेवा है, केला है। ये कब बनाओ जाते हो? करेला? अरे यार हम करेला ले ली। करेला जिन बनावा पालक बनावा। एक बोरिया खाद पहुंचा चुका हूँ, ये दूसरी बोरी है।
अच्छे से बंधा जी, तुम चलाए के भी ले जा सकीला। नहीं 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 नहीं, अभी कहीं गिरबे करी। बा बा बा, बहुत सही। ए या देखा, ये उड़ा था। चला के ही ले जाऊंगा इस बार, चला ही लेते हैं। लेकिन गिरेगा तो पूरा मेहनत अपने ऊपर आ जाएगा सर पे। वो देखिए, खेत भरा जा रहा है और खेतों के बीच में आपको फाउंटेन दिखाई दे रहा है, इतना प्यारा सा। अगर और भी फाउंटेन बनाना है तो जगह जगह पाइप पे छेद कर दीजिए। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई है। अब यहाँ से कच्चा रास्ता है तो ज़्यादा उछाल आएगा साइकिल पे। सबसे ख़तरनाक रास्ता यही है, जो कि मैं इसको भी क्रॉस कर चुका हूँ। आइए थोड़ा सा आपको हम अब खेती करके भी दिखाते हैं। ये का बोआ था, जाओ जाओ जाओ। बहुत बढ़िया, यही तो चाहिए। हाँ जाओ, हम लोग चलते हैं। दोनों महीने का, दोनों महीने का। शाबाश शाबाश। देखिए, एक किसान लोग हैं और मालिक भी साथ में हैं और ये छीते चले जा रहे हैं। अगर गड़बड़ाई तो फिर बहुत ही इजी है खेती करना, इतना मुश्किल भी नहीं है। हाँ, लेकिन आप थोड़ा सा अगर साइंटिफिक तरीके से खेती करना चाह रहे हो कि जैसे इतने ही खेत में अगर आप दुगुना फसल पैदा करना चाहते हो, तो उसके लिए थोड़ी सी पढ़ाई करने की ज़रूरत है, जो कि वो भी बहुत आसान है, रॉकेट साइंस नहीं है। जो लोग बोलते हैं कि भाई अब खेती में उतना फ़ायदा नहीं है, आप ढंग से करो तो। देखिए, ये वाला सरसों लगाया जाएगा सिस्को, और ये है पीली सरसों, ये भी लगाया जाएगा। ये बोरिया में लेके जाता हूँ घर। आ गए भाई, अपने घर पे आ गए। चलो भाई, बहुत बड़ा काम हो गया। तो देखिए, ये है मेरी सुबह की डाइट और इसके साथ एक एप्पल। एप्पल यहाँ बहुत सस्ता है, 100 रुपये में 2 किलो। और इधर है मेरी अदरक तुलसी की चाय। इससे बढ़िया और क्या ही हो सकता है, आप बताइए। इससे अच्छा कुछ और हो सकता है तो बताइए, हम वो भी इंक्लूड करेंगे अपनी डेली लाइफ में। मेथी में क्या प्रॉब्लम है, हाँ बताओ। देखा ही बनावे में। अपने फेवरेट स्थान पर हम चाय पियेंगे, आप लोग भी आइए एंजॉय करिए। मेरी पसंदीदा जगह। हाँ,